क्लास 11 इंग्लिश कोर एग्जाम पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम 2022-23। हेलो एवरीवन, आई एम रुचिका फ्रॉम इंग्लिश एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 का एग्जाम पैटर्न देखेंगे और आपका मार्किंग स्कीम देखेंगे और देखेंगे सेक्शन वाइज वेटेज क्या है और कौन कौन से चैप्टर्स हैं लिटरेचर सेक्शन में जो कि इस बार आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन वाइज वेटेज, तीन सेक्शंस रहेंगे, ए बी एंड सी। सेक्शन ए इज रीडिंग स्किल्स फॉर 26 मार्क्स वेटेज, सेक्शन बी इज ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स फॉर 23 मार्क्स वेटेज एंड सेक्शन सी इज लिटरेचर फॉर 31 मार्क्स वेटेज। अब सबसे पहले सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स के बारे में बात करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो एक अनसीन पैसेज होगा, इट कैन बी अ फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव और अ लिटररी पैसेज। इसमें आपको 10 MCQs अटेम्प्ट करने हैं फॉर 10 मार्क्स। तो आपको 11 या 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपने कोई भी 10 अटेम्प्ट करने हैं। जो सेकेंड अनसीन पैसेज है वो एक केस बेस्ड पैसेज रहेगा, जिसमें कोई भी डेटा चार्ट दिया होगा उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये 8 मार्क्स का है, तो आपको इसमें 8 MCQs अटेम्प्ट करने हैं। हो सकता है 9 या 10 क्वेश्चंस दिए हों तो आप एक या दो क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं। ये दोनों पैसेजेस की जो टोटल लेंथ है वो 600 से 750 वर्ड्स के बीच में होगी। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है नोट मेकिंग एंड समराइजेशन का। इसमें भी एक अनसीन पैसेज आएगा 200 से 250 वर्ड्स का। नोट मेकिंग के हैं 5 मार्क्स, समरी राइटिंग के हैं 3 मार्क्स। अब समरी आपको हो सकता है 50 या 80 वर्ड्स में लिखने को कही जाए, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द पैसेज गिवन इन द क्वेश्चन। तो वो इंडिकेशन आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा। अब इससे मार्क्स का ब्रेकअप देख लेते हैं। नोट मेकिंग के जो 5 मार्क्स हैं उसमें टाइटल के 1 मार्क है, नंबरिंग एंड इंडेंटिंग के 1 मार्क है, की या फिर ग्लॉसरी के 1 मार्क है और नोट्स के 2 मार्क्स हैं। समरी राइटिंग में कंटेंट के 2 मार्क्स हैं, एक्सप्रेशन के 1 मार्क है। अगर आपको नोट मेकिंग एंड समराइजिंग का लेसन देखना है तो हमने एक वीडियो लेसन बनाया हुआ है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। अब चलते हैं सेक्शन बी पर। इसमें आएगा ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। ग्रामर की वेटेज है 7 मार्क्स। इसमें भी आपसे हो सकता है एमसीक्यूज पूछे जाएं या फिर हो सकता है एमसीक्यूज ना भी पूछे जाएं, दोनों तरह से आ सकता है। क्वेश्चंस रहेंगे गैप फिलिंग पर, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। आपको 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 8, तो आप कोई भी एक क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स पर, जिसकी वेटेज है 16 मार्क्स की। इसमें आपके पास जो टॉपिक्स आएंगे वो है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट राइटिंग फॉर 50 वर्ड्स, 3 मार्क्स की वेटेज है। पोस्टर राइटिंग, ये भी 50 वर्ड्स में अटेम्प्ट करना है, 3 मार्क्स की वेटेज है। फॉर्मेट के 1 मार्क है, कंटेंट के 1 मार्क है, एक्सप्रेशन के 1 मार्क है दोनों टॉपिक्स में। उसके बाद जो सेकेंड आएगा वो है लॉन्ग राइटिंग स्किल। उसमें आपको स्पीच राइटिंग और डिबेट राइटिंग आएगी, 120 से 150 वर्ड्स में आपको इसे अटेम्प्ट करना है, 5 मार्क्स इसकी वेटेज है। इसमें फॉर्मेट के 1 मार्क है, कंटेंट के 2 मार्क्स हैं, एक्सप्रेशन के 2 मार्क्स हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस में, चारों क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस आपको दी जाएगी, दो में से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, एड के लिए, पोस्टर के लिए, स्पीच के लिए और डिबेट के लिए। और इन चारों टॉपिक्स की वीडियो लेसन हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, तो अगर आपको कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन सी, दैट इज लिटरेचर। इसकी टोटल वेटेज 31 मार्क्स है, उसका ब्रेकअप देखते हैं। सबसे पहले आएगा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, जिसे हम RTC भी कहते हैं। इस पे बेस्ड MCQs आपसे पूछे जाएंगे। एक तो पोएट्री एक्सट्रैक्ट करना है, दो पोएट्री एक्सट्रैक्ट आएंगे, कोई भी एक आपको अटेम्प्ट करना है और इसके लिए 3 मार्क्स यानी कि 3 MCQs आपने अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद हॉर्नबिल बुक से कोई भी एक एक्सट्रैक्ट आएगा प्रोस का, दो में से कोई भी एक आप अटेम्प्ट करेंगे, यहाँ पर भी 3 MCQs आप अटेम्प्ट करेंगे 3 मार्क्स के लिए। और फिर स्नैपशॉट्स बुक से आपको कोई भी दो में से एक एक्सट्रैक्ट अटेम्प्ट करना है, यहाँ पर आपको 4 MCQs सॉल्व करने हैं फॉर 4 मार्क्स। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आपको 40 टू 50 वर्ड्स में अपना आंसर लिखना है और हर एक आंसर 3 मार्क्स कैरी करेगा। आपको पहले तो हॉर्नबिल बुक में से 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कोई भी 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, सो टोटल 6 मार्क्स वेटेज फॉर दिस। एंड देन स्नैपशॉट्स बुक में से 2 सवाल पूछे जाएंगे, कोई भी एक आपको अटेम्प्ट करना है, अगेन दिस विल बी फॉर 3 मार्क्स। देन यू हैव लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन आउट ऑफ 2 क्वेश्चन गिवन फ्रॉम हॉर्नबिल बुक। इसको आपको 120 से 150 वर्ड्स में लिखना है, इसकी वेटेज है 6 मार्क्स की। इसी तरह स्नैपशॉट्स बुक में से भी 2 क्वेश्चंस में से कोई भी एक अटेम्प्ट करना है 120 टू 150 वर्ड्स में फॉर 6 मार्क्स वेटेज। इफ यू वांट टू फिनिश योर पेपर विद इन द टाइम लिमिट ऑफ 3 आवर्स,
There is a one suggestion that please follow the word limit given in each question. Don't exceed the word limit, क्योंकि जब आप ज्यादा लिखेंगे obviously ज्यादा time लगेगा और paper complete नहीं होगा. अब देखते हैं कि आपके कौन कौन से chapters इस साल आपके syllabus में हैं. Hornbill की book में से A Portrait of the Lady, A Photograph, We Are Not Afraid to Die If We Can Be Together, Discovering Truth, The Saga Continues, The Laburnum Top, The Voice of the Rain, Childhood, The Adventure, Silk Road, Father to Son. तो ये सभी प्रोज एंड पोएट्री आपके सिलेबस में है. नेक्स्ट वी कम टू स्नैपशॉट्स या सप्लीमेंट्री रीडर. इसमें आएगा द समर ऑफ द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स, द एड्रेस, मदर्स डे, बर्थ, द टेल ऑफ मेलन सिटी. So, सिर्फ 5 चैप्टर्स इस साल आपके सिलेबस में हैं. और ये तो था आपका 80 मार्क्स का रिटन पेपर. इसके अलावा इंटरनल असेसमेंट है 20 मार्क्स की, जिसमें कि लिसनिंग स्किल्स 5 मार्क्स की वेटेज रखते हैं, स्पीकिंग स्किल्स भी 5 मार्क्स की वेटेज रखते हैं, और आपका प्रोजेक्ट वर्क 10 मार्क्स के लिए होगा. दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो वे वी हैव डिस्कस्ड द एग्जाम पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम फॉर क्लास 11 फॉर द सेशन 2022-23. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक को जरूर हिट कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, एंड फॉर मेनी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज सब्सक्राइब टू इंग्लिश अकेडमी. विद दिस इज रुचिका साइनिंग ऑफ. टिल वी मीट नेक्स्ट, टेक केयर एंड गुड बाय.